आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की। शेख मुजीबुर रहमान के बारे में बात करें तो इनकी वजह से बांग्लादेश बना, वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स में से है बांग्लादेश के। और वैसे तो भारत ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, बता ही आपको 1971 में जो वॉर हुआ था, अगर भारत हस्तक्षेप ना करता तो बांग्लादेश बनता नहीं। लेकिन बांग्लादेश बनाने की मांग मुजीबुर रहमान बहुत सालों से कर रहे थे, जब से पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ है, पाकिस्तान और भारत अलग अलग हुए हैं, तब से मुजीबुर रहमान एक्टिव थे। इनको बार बार जेल में डाला जाता था, जेल इनका दूसरा घर हो गया था एक तरीके से। तो आज हम शेख मुजीबुर रहमान की बायोग्राफी को देखेंगे, बड़ा टॉपिक है, पार्ट वन पार्ट टू में लेक्चर आएगा। बताना चाहता हूं दोस्तों कि इस लेक्चर को पूरा देखिएगा क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स डिस्कस करने वाले हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो आपको पहली बार पता चलेगी। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए और नॉलेज तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों। सेट अंडरस्कोर रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और प्रिंटर कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए और अपनी ड्रीम जॉब निकालिए, घर बैठ के आराम से नोट्स बनाइए। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले तो इनके शुरुआती जीवन को देखेंगे। भैया बागी थे ये, शुरू से ही बागी थे। जब स्कूल में थे तो अपने प्रिंसिपल के खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया था। उसके बाद देखेंगे इनका पॉलिटिकल करियर। आपको बता दूं दोस्तों कि ये बहुत ही सेक्युलर नेता थे, ठीक है, जिस तरीके से नेहरूवियन जो प्रिंसिपल था, ठीक है, नेहरूवियन पॉलिसी के चार पिलर्स थे ना, वैसे ही मुजीबुर रहमान की जो पॉलिसी थी जिसको मुजीबिज्म बोला जाता था, उसके भी चार पिलर्स थे, हम डिस्कस करेंगे। उसमें एक था सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म बहुत ज्यादा सेक्युलर नेता थे। इन्होंने पहले, इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम था आवामी मुस्लिम लीग, सेक्युलर थे तो इन्होंने मुस्लिम हटा दिया। हर किसी का स्वागत है, कोई भी हो हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। उसके बाद देखेंगे बांग्लादेश कैसे बना। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। आपको पता है कि 1971 में बांग्लादेश बन गया, बहुत बढ़िया, तालियां बजा दी सबने। उसके बाद क्या हुआ, 117 रुपए छोड़े थे खाली पाकिस्तान ने बांग्लादेश के अकाउंट में, ठीक है, एयरपोर्ट में, सिर्फ 117 रुपए। तो बांग्लादेश को रिकंस्ट्रक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट था। रिकंस्ट्रक्शन किया मुजीबुर रहमान ने, पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, और सोशलिस्ट थे ये, तो सोशल पॉलिसी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब लेके आए। लेकिन मुजीबुर रहमान का बहुत क्रिटिसिज्म होता है, आपको ये भी बता दूं, इनको क्रिटिसाइज भी काफी किया जाता है। मुजीबुर रहमान डेमोक्रेसी के लिए लड़े, लेकिन जब बांग्लादेश बन गया उसी डेमोक्रेसी के खिलाफ मुजीबुर रहमान ने एक तरीके से अटैक करना शुरू कर दिया। मुजीबुर रहमान फोर्थ अमेंडमेंट ले आए, फोर्थ अमेंडमेंट में वन पार्टी सिस्टम पूरा, कि एक ही पार्टी रहेगी। मुजीबुर रहमान ने अपने प्रतिद्वंदियों को साफ करना शुरू कर दिया, एक लेफ्ट इंसर्जेंसी हुई थी, सारे लेफ्टिस्ट को उन्होंने साफ करना शुरू कर दिया, मरवाना शुरू कर दिया। लोगों के खिलाफ भी कई जगह तो ऐसे भी इंसिडेंट आए हैं कि लोगों के खिलाफ भी उन्होंने कई बार अत्याचार किए हैं। तो यहां पे मुजीबुर रहमान एक ऐसे नेता के तौर पे उभरे थे जो कि हर किसी के लिए काम करेंगे। लेकिन जब बांग्लादेश बना तो चीजें वैसी रही नहीं। बाद में ये जस्टिफाई किया जाता कि ये करना जरूरी था, अगर ये नहीं करते तो बांग्लादेश को भी बांट देते ये लोग। लेकिन फिर भी 1975 में इनको एसासिनेट कर दिया गया था, मुजीबुर रहमान को एसासिनेट कर दिया गया था, इनकी पूरी फैमिली को एसासिनेट कर दिया गया था, इनकी दो डॉटर जिसमें से एक शेख हसीना भी हैं, जो कि इस समय प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की, उन वो बच गई थी क्योंकि वो बाहर थी। 1975 से लेकर 1977 तक दोस्तों इतनी बार तख्ता पलट हुआ, भयंकर अनस्टेबिलिटी थी बांग्लादेश में। 1977 के बाद जिया उर रहमान आए जो कि मिलिट्री चीफ थे, फाइनली इनके पास आई, और 1977 से लेकर 1991 तक बहुत अनस्टेबिलिटी थी। जिया उर रहमान को भी असैसिनेट कर दिया था। जब 1991 आया, 1991 आया, 1991 में वैसे बहुत कुछ हुआ था, कुछ साल ऐसे हैं दोस्तों इतिहास में, उस साल में बहुत कुछ हुआ है पूरी दुनिया में। जब 1991 आया तब जाके बांग्लादेश में एक स्टेबल गवर्नमेंट आई थी, इससे पहले तक ना भयंकर अनस्टेबिलिटी थी, कुछ भी नहीं था। और ये तब हुआ जब मुजीबुर रहमान पावर में आए थे, तो ये चीज है। उसके बाद मुजीबुर रहमान की पॉलिसीज देखेंगे, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी देखेंगे, इनकी फॉरेन पॉलिसी देखेंगे, ये सारी चीजें देखेंगे दोस्तों, क्योंकि बांग्लादेश को रिस्ट्रक्चर करना बहुत ज्यादा जरूरी था। युद्ध के बाद पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था बांग्लादेश, कुछ था ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं था,
1974 में सूखा पड़ गया था। वैसे बता दूं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को बहुत ही जल्दी डेवलप किया, 1974 तक डेवलपमेंट जो है ना बांग्लादेश का, वो कमाल का हुआ, ठीक है, इतना बर्बाद होने के बावजूद। लेकिन उसके बाद दोस्तों चीजें बदल गई जब मुजीबुर रहमान को असैसिनेट किया गया। तो इनकी पॉलिसीज के बारे में भी जानेंगे, किस तरीके से रिकंस्ट्रक्ट किया इन्होंने बांग्लादेश को। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक क्विक ब्रीफ ले लेते हैं। शेख मुजीबुर रहमान का जन्म 17 मार्च 1920 में हुआ था और इनकी हत्या 15 अगस्त 1975 में, 15 अगस्त 1975 में हुई थी, तो डेट आपको याद ही रहेगी, ठीक है। कौन है ये? फाउंडिंग फादर ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, फर्स्ट प्रेसिडेंट और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बांग्लादेश के। ड्राइविंग फोर्स है भैया जो बांग्लादेश को आजादी मिली, आपको बता दूं कि जब भारत का बंटवारा हुआ था, वैसे भारत के बंटवारे से पहले आपको बता दूं कि 1905 में जब बंगाल का बंटवारा हुआ था, वहीं से बीज बो दिए थे, मतलब बंगाल को लॉर्ड कर्जन ने डिवाइड कर दिया था, वाइस रॉय थे उस समय 1899 से लेकर 1905 तक। तो यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले जो कि एक लिबरल लीडर थे, उन्होंने सीधा बोल दिया था कि ये बंटवारे की नींव अब रख दी गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, मुस्लिम और हिंदू डिवाइड हो गए, अब आप कुछ भी कर लो कुछ नहीं हो सकता। वहां से फिर ऐसी फूट पड़ी ना, वो कभी सही नहीं हो पाई। अब यहां पे बताना चाहता हूं कि ईस्ट पाकिस्तान का क्या हाल था। 1947 में क्या हुआ था? बंटवारा हो गया था, पाकिस्तान अलग भारत अलग, इधर वेस्ट पाकिस्तान और इधर ईस्ट पाकिस्तान, ये आपको पता ही है, ठीक है, ये बट गए थे। अब दोस्तों ऐसा है कि यहां पे ईस्ट पाकिस्तान पे गजब का जुल्म होता था, इतना जुल्म होता था, यहाँ के लोगों को बड़ा नीचा समझा जाता था, बंगालियों को बहुत नीचा समझते थे ये लोग। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और 1937 में जब प्रोविंसेस में चुनाव हुए, पूरे भारत में सारे प्रोविंसेस में सारे राज्यों में कांग्रेस जीती थी, बंगाल में मुस्लिम लीग आई थी। तो एक तरीके से मुस्लिम लीग या जो सबसे बड़ी पार्टी थी जो ये बोल रही थी कि पाकिस्तान बने, वो तो बंगाल में आई थी। तो बंगालियों का सबसे बड़ा रोल था पाकिस्तान को बनाने में, और जब बंटवारा हुआ था उस समय इनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया था, सारा क्रेडिट पंजाबियों ने ले लिया था जो पंजाबी पाकिस्तानी है, और उसके बाद इनको बिल्कुल किनारे कर दिया था। ये लोग थोड़े रंग में साफ नहीं थे तो इनको काला काला बोलते थे, ठीक है ना, जो पाकिस्तानी थे बांग्लादेशियों को काला काला बोलते थे, तो यहां पे बहुत नीचा दिखाते थे। अंग्रेज तो चले गए थे लेकिन पाकिस्तानी थे, और जैसा अंग्रेज डोमिनेट करते थे ना, एक तरीके से वेस्ट पाकिस्तान ने कॉलोनियलिज्म स्टार्ट कर दिया था। ईस्ट पाकिस्तान को ऐसा ट्रीट करते थे जैसे वेस्ट पाकिस्तान की कॉलोनी हो, तो इस तरीके से अत्याचार करते थे, सारे रिसोर्सेस पूरे के पूरे ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान तक लाए जाते थे। इसमें कौन पिसेगा? पब्लिक पिसेगी, और उनके लिए कौन खड़े हुए थे? शेख मुजीबुर रहमान। तभी तो इनको लोगों का हीरो, पीपल्स हीरो बोला जाता है। तो अब अगर शेख मुजीबुर रहमान की बात करें तो इनका जन्म मैंने बता दिया दोस्तों, 1920, 17 मार्च, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव तुंगीपुरा जो कि उस समय ब्रिटिश इंडिया के अंदर आता था, वहां पे हुआ था। शेख लुफ्तुर रहमान के बेटे थे ये दोस्तों। शेख लुफ्तुर रहमान एक कोर्ट क्लर्क थे। अब बता दूं दोस्तों कि जब ये 9 साल के थे, गोपालगंज के ही एक स्कूल में इनका दाखिला हुआ, वहां पे इन्होंने पढ़ाई की। शुरू से ही रिबेल टाइप के थे, इनके इनकी फैमिली बताती हैं कि इन्होंने जो प्रिंसिपल था बहुत अच्छा नहीं था, बच्चों से बहुत अच्छे से बात नहीं करता था, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करता था। मुजीबुर रहमान ने प्रोटेस्ट कर दिया था कि इनको हटाओ। 1934 में इनकी आई की सर्जरी हुई थी, इनकी आंखों की सर्जरी हुई थी, जिसकी वजह से इन्होंने कुछ टाइम के लिए स्कूल भी छोड़ा था, लेकिन जब हो गई तो वापस आ गई है। उसके बाद दोस्तों गोपालगंज के एक मिशनरी स्कूल से ही इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा 1942 में पास की। उसके बाद इन्होंने इंटरमीडिएट किया 8 से, उसके बाद फिर इन्होंने बीए किया 1947 से, 47 में मौलाना आजाद कॉलेज में, और दोस्तों इसी समय ये पॉलिटिकल एक्टिव हो गए। पॉलिटिकल देखिए दोस्तों, वैसे भी अगर आपको पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा एक्टिव होना है तो सबसे पहले आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स ज्वाइन करिए। तो 1940 में इन्होंने इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन, इसको ज्वाइन किया। उसके बाद दोस्तों इन्होंने मुस्लिम लीग, बंगाल मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया 1943 में। सोहरावर्दी के साथ इन्होंने बहुत ही क्लोजली काम किया और सोहरावर्दी के काफी अच्छे दोस्त भी थे, वही सोहरावर्दी जो बंगाल के हेड थे 1946 में। और 1946 में क्या हुआ था आपको याद ही है, डायरेक्ट एक्शन डे, ग्रेट कैलकटा किलिंग्स भी जिसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को बना दो,
पाकिस्तान को बनाने के लिए जिन्ना ने बोल दिया था कि मारो काटो कुछ भी करो लेकिन पाकिस्तान बनना चाहिए। तो कलकत्ता में बहुत लोगों की जाने गई और उसके तुरंत बाद नोआखोली रायट्स हुए। दोनों पे ही दोस्तों मेरा लेक्चर है, आप देख लीजिएगा, पूरी स्टोरी आपको पता चल जाएगी। तो यहां पे दोस्तों इस चीज को पाकिस्तान बने मुजीबुर रहमान ने पूरा एडवोकेट किया था कि पाकिस्तान होना चाहिए, एक सेपरेट कंट्री होनी चाहिए मुस्लिमों के लिए। 1947 में दोस्तों बंटवारा हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। आई एम रियली सॉरी, मैं मैप नहीं लगा पाया हूं, मैं अगले पार्ट में जब पार्ट टू लेके आऊंगा तो जरूर मैप लगा दूंगा, आई एम रियली सॉरी। तो यहां पे जब पाकिस्तान अलग हुआ तो दो पाकिस्तान बन गए, एक ईस्ट पाकिस्तान जो कि बंगाल से लगता है, आपको पता ही है, जो आज बांग्लादेश है, और दूसरा वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, ये दो पाकिस्तान हो गए, इन दोनों को ही कुल मिला के पाकिस्तान बोला गया। और उसके बाद मुजीबुर रहमान पाकिस्तान में ही रहे। बहुत बड़े बड़े लीडर्स को ये चॉइस भी मिली थी कि या तो आप पाकिस्तान में चले जाए या फिर हिंदुस्तान में चले जाए। सैम मानेकशॉ को भी चॉइस मिली थी, सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जिनकी वजह से बांग्लादेश बना, वो ना होते तो बांग्लादेश ही नहीं बनता। उनकी भी बायोग्राफी मैंने दोस्तों पूरी रिव्यू की है, दो पार्ट में लेक्चर है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सैम मानेकशॉ को भी बोला गया था कि आप पाकिस्तान में रहेंगे कि हिंदुस्तान में, तो उन्होंने हिंदुस्तान चुना था, भैया वो तो देशभक्त थे। तो एक बार उनसे ऐसे ही मजाक में पूछा गया था कि अगर आप पाकिस्तान चले जाते तो क्या होता, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, फिर पाकिस्तान 1971 का युद्ध जीत जाता, मजाक में बोला था। लेकिन इस बयान को इतना सीरियसली लिया गया कि उनके ऊपर बहुत कार्रवाई शुरू हो गई। खैर वो एक अलग बात है, वो मैंने पूरा कवर किया है सैम मानेकशॉ की बायोग्राफी में। तो यहां पे दोस्तों 21 मार्च मतलब जब 1947 में पाकिस्तान और भारत डिवाइड हुए तो मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बहुत बड़ा डिक्लेरेशन कर दिया और यहां से यह पता चल गया कि ईस्ट पाकिस्तानियों के साथ क्या होना है। देखिए ईस्ट पाकिस्तान बंगाली, वहां सब बंगाली है, लैंग्वेज कौन सी, बंगाली। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या बोल दिया कि बंगाली अंगाली कुछ नहीं, उर्दू चलेगी, उर्दू एज अ स्टेट लैंग्वेज चलेगी, हर कोई उर्दू बोलेगा। अब आप सोचिए कि किसी को उर्दू पता नहीं, वो कैसे उर्दू बोलेगा, एक लैंग्वेज कैसे चल सकती है। लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, किसने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, जो बंगाल में रहते थे, जो ईस्ट पाकिस्तान में रहते थे, उन सब ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और सबसे आगे कौन थे इसमें, शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने इस पूरे मूवमेंट को लीड किया, ये जो मुस्लिम लीग ने डिसीजन लिया था। मीनवाइल दोस्तों जब ये कॉलेज में भी थे तब भी इन्होंने जो फोर्थ क्लास एम्प्लॉय हैं, उनके, शेख मुजीबुर रहमान की बात कर रहा हूं, उनके राइट्स के लिए इन्होंने मूवमेंट किए, इन्होंने बहुत मूवमेंट किए। और इन्होंने मूवमेंट के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, सत्याग्रह, भूख हड़ताल पे बैठ जाओ। तो शेख मुजीबुर रहमान भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, इनको कॉलेज से कई बार नोटिस भी आया और काफी झड़प भी हुई, लेकिन ये हटे नहीं। और आपको बता दूं एक और चीज, 1948 से लेकर 1970 तक जेल इनका दूसरा घर था, बार बार इनको जेल में ठूंसा जाता था और बार बार इनको बाहर निकाला जाता था। दोस्तों ऐसा ही होता है, जब भी यू हैव टू बी रेडी फॉर दी कंसीक्वेंसेस, कि अगर आप इस तरीके की चीजें में पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको इन सब चीजों के लिए तैयार रहना भी पड़ेगा। वो जाहिर सी बात है, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको पता था क्या होने वाला है, दूरदर्शी थे, लेकिन इन सब चीजों का परिणाम देखिए आज एक अलग देश बन गया है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आजादी है ना बांग्लादेश में। तो यहां पे दोस्तों क्या हुआ कि प्रोटेस्ट हुए और लीड कर रहे थे मुजीबुर रहमान, ठीक है, कि ये जो पूरा उर्दू है, उर्दू नहीं चलेगी, एक लैंग्वेज नहीं होगी, जिसकी वजह से इनको गिरफ्तार किया गया। अब इनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला यहीं से शुरू हो जाता है दोस्तों। इसी समय ये सोशलिस्ट हो गए थे, आपको बता दूं, ये सोशलिस्ट हो गए थे, ये जब गरीबी देखते थे, ठीक है, और ये जब देखते कि लोगों की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है, पाकिस्तानी ऐसा कर रहे, तो इनके बहुत ही एक कहते हैं ना कि बड़ा टीस उठती थी इनके मन में कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहां पे इन्होंने सोशलिज्म का पाथ अख्तियार कर लिया था। जितनी भी पूरी इनकी इकोनॉमी थी, जब 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ था, तो इनकी जो पूरी इकोनॉमी थी वो सोसाइटी के अगेंस्ट ही इर्द गिर्द ही घूमती थी। इन्होंने कैपिटलिज्म को नहीं चुना, इन्होंने कम्युनिज्म को नहीं चुना, इन्होंने सोशलिज्म को चुना, ठीक है। तो ये चीज थी, बाद में बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ कि इनका जो इंडस्ट्रियल सोशलिज्म है ये बहुत ही बर्बाद कर रहा है बांग्लादेश को। तो यहां पे दोस्तों इन्होंने बहुत सारी रैली की, एक रैली में तो ये नंगे पैर थे, 2 फरवरी 1954 में जो रैली हुई थी, ठीक है, कि ये जो भाषा हम पे थोपी जा रही है, उर्दू को थोपा जा रहा है, ये नहीं चलेगी। लियाकत अली, लियाकत अली पहले प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के,
वैसे आपको बता दूं पाकिस्तान की भी इतिहास बड़ा मजेदार है। अब इतना हमारे पास वक्त नहीं है कि डिस्कस करूं, मतलब हमारे पास वक्त नहीं है कि डिस्कस करें, हम फिलहाल शेख मुजीबुर रहमान तक ही अपनी बायोग्राफी को सीमित रखेंगे। लेकिन पाकिस्तान में 1958 से एक डिक्टेटरशिप चालू हो गई थी और 1958 में सबसे, ये पाकिस्तान के इतिहास का सबसे काला दिन था जब जनरल अयूब खान ने वहां पे मार्शल लॉ लगा दिया था। और वो कब तक चला था? जब तक जनरल इलेक्शन 1970 में नहीं हुए थे। भैया पाकिस्तान में पहली बार जनरल इलेक्शन कब हुए? 1970 में। और जब जनरल इलेक्शन हुए, पहले जनरल इलेक्शन में दो देश बन गए, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। तो पाकिस्तान का भी जो इतिहास है ना, वो इस तरीके का है। तो यहां पे दोस्तों अगर बात करें शेख मुजीबुर रहमान की, तो उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ पे अथॉरिटीज के लिए। लियाकत अली एक बार आए थे, तो लियाकत अली के सामने उन्होंने एंटी फेमाइन लॉ के लिए प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। सूखे बहुत पड़ते थे, फेमाइंस आते थे, और जब यहाँ पे फेमाइंस आते थे, कोई भी डिजास्टर आता था, तो ये आरोप लगता था कि जो वेस्ट पाकिस्तान है, ये पाकिस्तानी खुद भी मानते हैं दोस्तों, ठीक है। आप अगर वहां के इंटेलेक्चुअल्स को सुने, तो उनको खुद भी कहना है कि हमने बांग्लादेशियों को, मतलब ईस्ट पाकिस्तानियों को अच्छे से ट्रीट नहीं किया। अगर हम उनको अच्छे से ट्रीट करते तो शायद ये चीज कभी नहीं होती। और जाहिर सी बात है, अगर आप किसी को अच्छे से ट्रीट करेंगे तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। तो यहां पे दोस्तों इनको अरेस्ट किया गया, उसके बाद फिर इनको रिलीज किया गया, फिर इनको अरेस्ट किया गया। ये सिलसिला जो है ना, वो चलता रहा दोस्तों। उसके बाद 1949 में आवामी मुस्लिम लीग का गठन होता है, और यहां पे आवामी मुस्लिम लीग इन्होंने ज्वाइन किया। अब आपको बता दूं दोस्तों कि अभी 1970 के बाद भी एक और नई पार्टी बनाएंगे, ठीक है। यहां पे दो पार्टियों का गठन किया था शेख मुजीबुर रहमान ने, ठीक है। तो अब यहां पे इस पार्टी के ये जनरल सेक्रेटरी बने, ठीक है। उस समय फूड क्राइसिस हो गई थी बांग्लादेश में, फूड क्राइसिस के लिए ये लड़े। लेकिन मेन इनका मुद्दा यही था कि उर्दू को जो है वो ऐसे नेशनल लैंग्वेज आप नहीं बना सकते, क्योंकि जो दूसरे प्रधानमंत्री आए थे ख्वाजा निजामुद्दीन पाकिस्तान के, उन्होंने भी बोला था कि उर्दू को एक नेशनल लैंग्वेज हम बनाएंगे। तो यहां पे जो प्रोटेस्ट है उर्दू के लिए जारी रहा। इन्होंने राष्ट्रभाषा संग्राम के नाम से भी एक रैली निकाली, जो पुलिस ने बाद में ब्लॉक कर दी थी। तो काफी ज्यादा दिक्कत हुई, भूख हड़ताल की, हंगर स्ट्राइक की, जेल में जब 1950 में थे, ठीक है। लियाकत, जैसे मैंने बताया ना कि प्रधानमंत्री 1950 में लियाकत अली दौरा कर रहे थे, और उनके सामने इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, तो शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया था। वहां पे इन्होंने भूख हड़ताल चालू कर दी। तो ये चीज है। अब दोस्तों ऐसा है कि 1955 से लेकर 1958 तक ये पाकिस्तान की कंस्टिट्यूएंट असेंबली में भी सिलेक्ट हुए दोस्तों, ठीक है ना। खाली ऐसा नहीं कि सिर्फ गिरफ्तारी चल रही थी, ये चुनाव लड़े और चुनाव जीते भी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, 1958 में पाकिस्तान के इतिहास का सबसे काला दिन, जब जनरल अयूब खान ने सब कुछ सस्पेंड कर दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया था, इमरजेंसी लगा दी थी, मार्शल लॉ लगा दिया था, एक डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश हो गई थी, सब कुछ जनरल अयूब खान के पास चला गया था। अब यहां पे वैसे ही इस पाकिस्तान में हालत खराब है। अब आप सोच लीजिए क्या क्या होने वाला है, ठीक है, बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। लेकिन यहां पे यही बोला गया कि अनस्टेबिलिटी बहुत है, हमको सत्ता को जो है संभालना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों इलेक्शन से 1964 में जनरल इलेक्शन होने वाले थे, इलेक्शन से कुछ महीने पहले 1964 में होने वाले थे, फिर से मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर दिया। 1963 में सोहरावर्दी की भी मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद फिर जो आवामी मुस्लिम लीग थी, क्योंकि एक सेक्युलर नेता थे, इन्होंने मुस्लिम शब्द को ड्रॉप कर दिया, ताकि हर कम्युनिटीज को अट्रैक्ट किया जाए, सिर्फ मुस्लिमों को अट्रैक्ट नहीं किया जाए, हर एक कम्युनिटी को अट्रैक्ट किया जाए। तो इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग को मुस्लिम को ड्रॉप कर दिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो प्रेसिडेंट उस समय अयूब खान थे, ठीक है, और 1964 में जो चुनाव होने वाले थे, इन्होंने जो उस समय चुनाव, मतलब अयूब खान के खिलाफ खड़ी थी फातिमा जिन्ना, इनको सपोर्ट किया, जिसकी वजह से इनको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है ना। कुछ महीने पहले, इलेक्शन से कुछ महीने पहले ही मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। लेकिन दोस्तों आपको पता ही है ये सब चीजें हैं, फिर उनको वापस रिहा किया गया। और जब इस बार मुजीबुर रहमान को रिहा किया गया, तो यहां पे मुजीबुर रहमान बहुत एक्टिव हो गए। अब उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि हमको एक अलग देश चाहिए, हम अलग देश लेके मानेंगे ही नहीं। और उन्होंने 6-पॉइंट प्लान, जिसको डेमोक्रेसी प्लान भी बोला जाता है, ये उन्होंने सीधा दे दिया। और अल्टीमेटम था ये सरकार को कि हमारे राइट्स दो, वरना अब हम
फिर तो करो या मरो की स्थिति अब आ गई है। अब उस समय आपको पता ही है दोस्तों, उस समय तो कंडीशन बहुत खराब हो गई थी दोस्तों। देखिए बंगाल में जूट का प्रोडक्शन बहुत होता है, तो जूट को ले जाया जाता था दोस्तों, और पूरी तरीके से वहां पर एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया था। बंगाली सिविल सर्विसेज में बहुत ही पुअरली रिप्रेजेंटेड थे, जो पॉलिसीज थी वो बहुत खराब थी, मिलिट्री का ऑपरेशन था ईस्ट पाकिस्तान में। जब ये सारी चीजें मुजीबुर रहमान ने देखी तो अंदर से सिहर गए थे। उसके बाद उन्होंने 6 पॉइंट प्लान पेश किया था कि हमको डेमोक्रेसी चाहिए। इसमें सबसे पहले क्या था दोस्तों, कि सबसे पहली बात तो ये है कि हर किसी को वोटिंग का अधिकार होगा, ठीक है, फेडरेशन सही से काम करेगा और हमको ज्यादा पावर मिलेगी। हमको वोटिंग का जो अधिकार नहीं है, जो हमको एज अ माइनॉरिटी ट्रीट किया जाता है, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। हर किसी को वोट करने का अधिकार होना चाहिए। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट जो है वो दो सब्जेक्ट से डील करेगी, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स। अब यहां पे दोस्तों ये ठीक है, ये तो सेंट्रल के पास है, लेकिन स्टेट के पास भी ताकत रहेगी, स्टेट के पास भी उतनी ही ताकत रहेगी जितनी फेडरल गवर्नमेंट के पास ताकत रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ताकत रहेगी। हम अपने डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स को हम खुद से अब डील करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों अलग करेंसी होने चाहिए, अलग बैंक होना चाहिए, ये इस 6 पॉइंट एजेंडा का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू था। उसके बाद दोस्तों जो एलोकेशन ऑफ रेवेन्यूज एंड टैक्सेस है वो अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। फेडरल को यहां पे पावर नहीं होगी, यहां पे स्टेट्स को ज्यादा पावर होगी, तो टैक्सेशन के मामले में भी स्टेट्स को ज्यादा पावर होगी। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट, फॉरेन एक्सचेंज के दो अलग अकाउंट होने चाहिए भैया, एक सेंट्रल का एक हमारा। उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश का एक अलग मिलिट्री फोर्स होनी चाहिए। मानेगा कोई? नामुमकिन है, कैसे मान सकता है, ये तो एक अलग देश की बात हो गई ना। आपने एक राज्य को पूरा अलग कर दिया है, ये मान ही नहीं सकता। तो वेस्ट पाकिस्तान जरूर हंसा होगा इस चार्टर को देख के, लेकिन यही चार्टर बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि बाद में ये सारी चीजें इंप्लीमेंट भी तो की गई। एक तरीके से वो सेल्फ गवर्नमेंट की दोस्तों मांग कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों 1969 आ जाता है, एंटी अयूब मूवमेंट, अयूब खान को हटाओ, पूरी तरीके से मूवमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है। फिर मुजीबुर रहमान को दोस्तों अरेस्ट किया जाता है। आपको एक जो बहुत ही फेमस केस था, जो अगरतला कॉन्स्पिरेसी, उसके लिए मुजीबुर रहमान को अरेस्ट किया गया। अब ये यहाँ पे मतलब इल्जाम लगे थे मुजीबुर रहमान पे कि इन्होंने भारत के साथ मिलके पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की है, और ये कहां पे हुआ, सिटी ऑफ अगरतला। तो ये अगरतला कॉन्स्पिरेसी थी। मुजीबुर रहमान ने 34 बंगालियों के साथ, वैसे ऐसा कुछ नहीं था, 34 बंगालियों के साथ पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की है, तो सेडिशन का केस बनता है ना दोस्तों, ठीक है ना, ये तो देशद्रोह हो गया, तो इसके लिए इनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन उसके बाद यहां पे पब्लिक बाहर पागल हो रही थी, ठीक है, मुजीबुर रहमान को रिहा करो रिहा करो। जब ये सारी चीजें देखी, पाकिस्तान घबरा गया और पाकिस्तान ने सारे चार्जेस ड्रॉप किए। भैया पब्लिक के सामने किसी की कुछ नहीं चलती है, सारे के सारे चार्जेस ड्रॉप किए और फाइनली 22 फरवरी 1969 को रिलीज किया गया मुजीबुर रहमान को। और उसके बाद जब इनको रिलीज किया गया तो एज अ हीरो इनको क्या रिसेप्शन मिला दोस्तों। हीरो होता है ना, एकदम हीरो की तरह आए थे, शेर की तरह बाहर आए थे, और तभी इनको बंग बंधु का टाइटल मिला गया। और 5 दिसंबर 1969 में, ये इतिहास का सबसे बड़ा दिन बांग्लादेश के लिए, जब पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया था यहां पे शेख मुजीबुर रहमान में कि अब एक नया देश होगा जिसको हम बांग्लादेश बोलेंगे, और अब वक्त आ गया है कि अब हम बांग्लादेश के लिए लड़ाई करें। तो यहां से कहानी बिल्कुल बदल गई, और उसके बाद जो अगले साल जनरल इलेक्शन होंगे उसकी क्या कहानी है, जब बांग्लादेश को आजादी मिली फिर क्या हुआ, फिर कैसे यहां पे क्रिटिसिज्म होने लगा, और मुजीबुर रहमान अपनी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में कहीं कहीं ना कहीं किसी हद तक वो नाकामयाब रहे, ये भी हम अगले पार्ट में देखेंगे। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा दोस्तों, इसको जरूर शेयर करिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।